हमारा मुद्दा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद मुफ्ती से इस वक्त हम गोवंडी के सेनाई हॉल में जहाँ पे कौमी बट एसोसिएशन का यहाँ पे प्रोग्राम आयोजन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष इरशाद भट्ट साहब। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम का यहाँ पे आयोजन का रखने का मकसद क्या था। मकसद ये कि हमारी समाज कौमी भट्ट एसोसिएशन हमारी मुस्लिम भट्ट राय से हम लोग आते हैं, जिससे कि हमारी स्थिति बहुत पीछे है और हम लोग सम्मान करने में आते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से, ऑल इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राष्ट्र गवर्नमेंट से भी हमारी मांग है, उससे हम काम भी कर रहे हैं कि हमको ओबीसी में डाला जाए। हमारी स्थिति हमारे समाज की ठीक नहीं है और 50% हमारा काम हो गया है। इसे जनगणना में हमारी समाज का 12 मंडल उत्तर प्रदेश में 75 जिलों का सर्वे कराया गया, उसके अंदर से निचोड़ ये आया है 72 जातियों को सरकार ने मानता के छांटते छूटते 8 जातियों को टाइड करके मुकम्मल रखा हुआ है। कुछ 8 जातियों भी हमारे मुस्लिम भट्ट समाज का ओबीसी में नाम आया है, मगर हमारे भी उत्तर प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ है। ऑल इंडिया लेवल में 12 राज्यों में हमारी सरकार को ओबीसी मिली हुई है। उस ओबीसी के आधार पे हम अपने लेटर दिखा के हमारे राष्ट्रीय महोदय फौजदार की फाइल पे काम हो रहा है और उसी पे हम अपनी मांग के लेके अड़े हुए हैं। हम अपने समाज को और शिक्षा की पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए और मदद के लिए उनको हाथ मिलाने के लिए और जोड़ से जोड़ चलने के लिए, ये हमारा मिशन है। और इस मिशन में हमने कांग्रेस पार्टी के एक्स नगर सेवक आसमा मैडम को हमने इन्वाइट किया अपने प्रोग्राम में। जहाँ हमारी संजीव हमारी कौम हमारे कबीले के जो संगठन के लोग काम कर रहे हैं, हम उनका भरपूर आने वाले इलेक्शन में उनका साथ देंगे और वो हमारी पहचान दिलाने के लिए, दिखाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, राज्य गवर्नमेंट में हमारा नाम करने। तो उसके बाद इरशाद मुन्ना भट्ट साहब की मेहनत को और इनकी एक्टिविटी को देखते हुए हमारे जो बॉडी के जो मेम्बरान हैं, जो फाउंडर मेम्बर हैं, डॉक्टर आरिफ जब्बार भट्ट साहब हैं, अख्तर अली भट्ट साहब हैं, अकरम हीरो भट्ट साहब है, अकरम मनीष भट्ट साहब है, सरफराज गुड्डू भट्ट साहब है, सरफराज बबलू भट्ट साहब है, अदरवाइज अतहर साहब, अयूब भाई और जमील भाई, अदरवाइज जितने भी हैं, हम लोगों ने आपस में राय मशवरा किया कि भाई इनकी एक्टिविटी को देखते हुए हमने इनको इरशाद मुन्ना भट्ट साहब को 2 साल के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हमने सेलेक्ट किया है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इनकी कारकर्दगी अच्छी रही, इनकी एक्टिविटी अच्छी रही, तो इनको आगे के लिए भी हम परमानेंट कर सकते हैं। और हम अल्लाह की पाकजात से ये दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनकी मशक्क़त और इनकी कुर्बानी और इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और साथ साथ इनकी जो एक्टिविटी है कौम की बनिस्बत, अदर कास्ट की बनिस्बत, अल्लाह ताला इनको उस जज्बे को बरकरार रखे, यही हमारी दुआ है। और हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह हमारे इस कार्यवाहक अध्यक्ष कारगुजार सदर के साथ में हम लोग हैं और इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीदें तवक्को है इनसे कि आने वाले दिनों में भी ये हमारी कौम को, हमारे क्यूबीओ को काफ़ी दूर तक लेके जाने की इनके अंदर ताकत है। और हमने इनको इसी एक्टिविटी के बेस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्किंग प्रेसिडेंट का इंतखाब किया। और यहाँ पर जो भी हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा रहे हैं, जैसे शफीक भाई साहब शिवसेना से आए हुए हैं, मोहतरमा आसमा मैडम काफ़ी एक्टिव लेडी हैं ये इस गोंडी के लिए, और हमारे और मुस्लिम राय भट्ट समाज के जो भी लोग यहाँ अपना वक्त खर्च किए हैं और अपना कीमती वक्त उन्होंने निकाल करके इस प्रोग्राम को अटेंड किया और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में तन मन धन से मेहनत किया, मैं क्यूबी ऑफ इंडिया की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से दिल की अमीक गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा। उनके लिए वो क्या करना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि इरशाद अहमद भट्ट साहब ने आपको यहाँ पे बुलाया, आपको यहाँ पे सम्मान किया गया। देखिए, अभी उन्होंने जो इज्जत मुझे दी है मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इन्होंने जो मुझमें भरोसा बताया है, जो ट्रस्ट इन्होंने मेरे में बताया है, तो मैं उस ट्रस्ट को कायम रखने की पूरी कोशिश करूँगी। ये जो इरशाद मुन्ना भाई जो काम कर रहे हैं, मैं इनको 15 साल से जानती हूँ, ये बहुत
हमेशा बहुत अच्छा काम करते, सोशल वर्क करते, पर इतना है कि कभी उन्होंने फ्रंट पे आया नहीं अभी तक। जो भी है बन मुट्ठी काम कर रहे थे, लेकिन आज उनको जब अध्यक्ष बनाया गया है बट समाज का, ऑल इंडिया का, तो अभी ये फ्रंटल पे आके काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम करेंगे, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। और आने वाले इलेक्शन में इन्होंने जैसे बताया है, इन्होंने जाहिर सपोर्ट मुझे किया है, तो आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह जब मेरी जीत होती है तो इरशाद मुन्ना भाई जो काम मुझे बोलेंगे, चाहे वो इनके समाज का हो, चाहे इनका कोई एरिया का मसला हो या कोई और मसला हो, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूंगी। जैसे कि अभी देखा गया कि काफी कोई भी अगर प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में आपको शिरकत करते हुए देखा जाता है, आपको हर प्रोग्राम में बुलाया जाता है, चाहे वो उर्दू का 20 घंटे या 26 जनवरी का प्रोग्राम है, वही जगह पे यहाँ की सिटिंग कॉरपोरेटिव रुखसाना सिद्दीकी जी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक दूसरे का आमना सामना होता है, इसमें आपको क्या कहना चाहिए? देखिए वो सिटिंग थी, मैं भी सिटिंग थी, अभी लोगों का प्यार है जो मुझे 10 साल पहले होने के बावजूद भी आज भी याद कर रहे हैं, कुछ उनके नज़र में मैंने कुछ अच्छा काम की होगी इसीलिए लोग मुझे आज भी याद करें, और वो तो अभी हाल ही में थी 5 साल पहले, तो उनके कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे, उनकी कुछ कमियां रहेगी, इसीलिए उनके सामने मुझे लोग बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी लिए अच्छा लगता है ना कि आप लोग आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतने प्यार से बुला रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो उम्मीद है, जिस उम्मीद की नज़रों से लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि मैडम हमारे लिए कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं पूरा पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी, इनके साथ से, इनके सपोर्ट से, इनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। हमारे बीच एक काफी फेमस शख्सियत है जो भोजपुरी एक्टर है, अकरम साहब, और वो अपने डायलॉग के लिए काफी मशहूर है। हम सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे प्रोग्राम में आए। और भट्ट नाम तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैं शेख लिखता था। मेरे बड़े भाई डॉक्टर शेख भाई ने मुझे बताया कि हम लोग ये समाज के हैं और हम ये समाज के लोगों की सेवा करना चाहते हैं और हम एक तंजीम बनाना चाहते हैं, तो हमने इनके साथ जुड़ कर इतनी बड़ी तंजीम को बनाया और साथ में सब लोग जुड़े, मुन्ना मामा भी जुड़े। आज अल्लाह का एहसान है कि हम लोग 2 लोग थे, आज हम लोग बहुत लोग हैं। और आत्मा मैडम के लिए एक डायलॉग है कि शेर हूँ शिकार पर निकला हूँ जब भी मैं, मायूसियों से हाथ को मलना नहीं पड़ा, बचपन से पाल रखी हूँ खौफे खुदा का डर, किसी औरों को आगे मुझे डरना नहीं पड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब मैडम। आप जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने तो आपको ऐसे ही गॉड गिफ्ट दिया है, आपको एडवोकेट बना के भेजा है, आप ऐसे भी लोगों की सेवा करती हो, आगे जीतने के बाद तो सोने पे सुहागा होगा आपके लिए इंशाल्लाह ताला। हम लोग, हमारी कौम, हमारे सारे लोग आपके साथ हैं और तन मन धन से हैं, इंशाल्लाह जब भी आप आवाज़ दोगे तो हमारी कौम आपके साथ खड़ी रहेगी।